बी न्यूज पर बड़ी खबर गंज बासोदा से। जनता को जागरूक करने कांग्रेस सड़कों पर उतरी। गंज बासोदा से रवि चौरसिया की खास रिपोर्ट। कांग्रेस सम्यक अभियान संकल्प यात्रा का शुभारंभ। बेरोजगार को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने कांग्रेस का अभियान। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने। युवाओं की आवाज बनने अनेक मुद्दे को लेकर सरकार की नीतियों में बदलाव के लिए कांग्रेस ने SGS कॉलेज के पास से सम्यक अभियान संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा का शुभारंभ पूर्व विधायक निशंक जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने कहा कि युवाओं बेरोजगार महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हो या कमलनाथ जी के 5 वचनों को पूरा करने की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज यह यात्रा शुरू की रही है। यह यात्रा 1 माह तक चलेगी। इस अवसर पर प्रदेश कमेटी कांग्रेस कमेटी राजेश महेश्वरी, प्रकाश मिश्रा, ब्रज महाराज, संतोष शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। बाइट संतोष शर्मा। मुझे कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वादा है बासुदा की जनता से, गंज बासुदा ग्यारसपुर के लोगों से। मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा हूँ। गंज बासुदा से यह यात्रा प्रारंभ की और 5 अगस्त तक लगातार ग्रामीण अंचल तक हम बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करेंगे। शिवराज सिंह जी की सरकार है, उनका सब सीधा कहना है कि सिर्फ कमाओ योजना जो उन्होंने लागू की है और उस पर कई बेरोजगारों को भी रोजगार दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उनका ये कहना कुछ बेरोजगारी घटित हो गए हैं, कई उद्योग धंधे बंद हो गए। कोरोना के बाद तो लगातार कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं और उन पर जो गब्बर सिंह टैक्स है उससे प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार कम हुए, तो यह 100% कहना गलत है। और सब हम देख रहे हैं बेरोजगारी आज किस हद तक बढ़ गई है। सबसे पहले मुझे यहाँ के लोगों की, जो युवा आज नशे से परेशान है, तो नशा मुक्ति के लिए मेरा अभियान चल ही रहा है और नशे से बचाने के लिए, क्योंकि ये सबकी जड़ होती है बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के लिए हम कई फैक्ट्रियाँ जो आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं लाया है बेरोजगारी, जबकि हमारे यहाँ पर पत्थर जो विदेशों में भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी भी फैक्ट्रियाँ, एक फैक्ट्री है उसको भी उतना सहयोग नहीं मिल पाता। हम कई ऐसे जो यही अनाज है उससे रिलेटेड बेसन अनाज ये सब इनकी आप मील डाल सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, तो ये सब हम जो पत्थर है हमारा तो उससे रिलेटेड यहाँ बहुत काम है। पर बेरोजगारों के लिए ऐसी हम कारखाने लाएंगे जिससे लोग। गंज बासोदा से रवि चौरसिया की खास रिपोर्ट के साथ न्यूज़ एडिटर पुरुषोत्तम बैरागी, बी न्यूज़ मध्य प्रदेश।